हैं, बैठक है कि ये पहाड़ी, ये घुसने का रास्ता छोटा ही है इसका। ये देखिए कितनी प्यारी है, कितना अच्छा रूम है, सारा वुडन है ये, जितना भी है ओरिजिनल। कौन जैसे ये है भाई, ये ऊपर पहाड़ी घर बने हुए कुछ, ये सब भी आप घुमाओगे? हेलो गाइस, मैं हूँ आज मियोंडा गांव में, और इस गांव में एक बहुत ही खास बात हुई है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो गांव के लोग हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है गांव यात्रा नाम से, तो उसी से रिलेटेड ये एक आज का व्लॉग होने वाला है, जिसमें मैं बताऊंगा कि गांव यात्रा क्या है और क्या कंसेप्ट है। गांव यात्रा में क्या है कि जैसे जो टूरिस्ट लोग हैं जो पहाड़ों में घूमने आते हैं, तो उन्हीं की हेल्प के लिए बनाया है, ताकि वो एक्चुअल जो पहाड़ी कल्चर है उसको देख सके, उसको जी सके और उसको फील कर सके। गांव यात्रा कवर करेगा उन चीज़ों को जो बहुत ही रिमोट एरियाज़ में, जहाँ की ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, तो उनको वहाँ पर लेके जाना और वहाँ पे उनको गाइड करना, यही सब इंक्लूड होगा गांव यात्रा में। क्या क्या है वो इस व्लॉग में दिखाएंगे, तो चलिए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो इधर यहाँ पे आकाश है, अभी कुछ सेल्फीज ली जा रही है DSLR से। और आकाश क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया भैया। अच्छा ठीक ठाक, बढ़िया। तो भाई चल गांव यात्रा के बारे में बता थोड़ा, क्या मतलब एक बार। गांव यात्रा एक यहीं के लोकल्स ने स्टार्ट की हुई एक, जैसे मतलब एक पहल है बहुत अच्छी। उसमें यहाँ पे लोग, यहाँ पे बहुत सारे मकान अधिकतर खाली रहते हैं, लोग बाग अपने खेतों में और कुछ नीचे रहते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे विकास नगर देहरादून। ओके। तो यहाँ पे अधिकतर मकान भी कुछ पलायन के कारण खाली हो रहे हैं। अच्छा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ के लोगों ने एक पहल की है कि यहाँ पे जो मकान है उनको यूज किया जाए, और दूसरे लोगों को भी यहाँ की रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में अवगत कराया जाए। टूरिज्म को बढ़ाए एक तरीके से गांव में। टूरिज्म टूरिज्म इको टूरिज्म जैसे। ठीक ठीक, मतलब यहाँ नेचुरल है सब चीजें, आपको मतलब होम स्टे घर जैसी रहने की सुविधा मिलेगी। ओके। और खाना वाना मतलब आप चाहें तो आपको चूल्हे की बनी हुई रोटी। अच्छा अच्छा, एज अ होम स्टे यूज कर सकते हैं। तो ये रूम है, अच्छा इस तरीके से इसको एज ए होम स्टे आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सोफे रखे हैं, इधर ये टेबल है और ये सोफे है, और भाई अच्छा लेटने के लिए इधर है ये सिस्टम। पंखा वंखा एसी वासी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आपको मतलब एक नेचुरल नींद जिसको आप बोल सकते हैं, एक नेचुरल माहौल। मौसम ठंडा ही रहता है ऐसे रेगुलर, मौसम बिल्कुल ठंडा। अच्छा अच्छा, चलो एक बार मैं आपको भाई दिखा भी दूँ रूम, देख सकते हैं आप प्रॉपर कितना अच्छा रूम है, सारा वुडन है ये, जितना भी है ओरिजिनल। कौन सी वुड है भाई ये? ये देवदार, देवदार की वुड है भाई, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। अगर मैं आपको बताऊं, कोई पेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सब ओरिजिनल है। और ये खिड़कियां देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बनी हुई सब कुछ। छत देखिए भाई, वो भी वुडन है, ना कोई पंखा है जैसा कि भाई ने बताया है, और ना कोई एसी। और मैं भी फील कर रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी ठंड है, कोई ऐसी गर्मी वाला हिसाब नहीं है। ये देखिए भाई सब वुडन है एकदम, और इधर ये खिड़कियाँ, यहाँ से भी आप व्यू का नज़ारा ले सकते हैं। अगर हम इनको दिखाएं तो एक बार खोलना भाई इसको, तो इस तरीके से आप इनको खोल के भी रख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी हवा चलती है इनमें। वैसे आपके पास पर्सनल रूम भी है? पर्सनल रूम भी है। अच्छा। अगर सिंगल चाहिए, सिंगल, डबल चाहिए, डबल डबल चाहिए, डबल जी जी, ठीक ठीक। और यहाँ पे देखो भाई, बाहर से आप इस तरीके से बालकनी में, छत में, कुछ भी बोल लो, खड़े होके टेरेस बोल लो, यहाँ से भी व्यू को एंजॉय कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, और भाई जैसे ये है भाई, ये ऊपर पहाड़ी घर बने हुए कुछ, ये सब भी आप घुमाओगे? हाँ भाई, देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे घर है पहाड़ी कल्चर में। आप कहीं भी रुक सकते हैं। अच्छा अच्छा है, आप चाहे तो इनमें भी अरेंजमेंट हो सकता है आपके लिए। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर छत पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये ऊपर है यहाँ पे इनका, ये भी रूम है भाई, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक रूम या छत पे ऊपर। और इस रूम को मैं आपको एक बात दिखाऊं, और देखिए भाई कितना अच्छे से बना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल रूम है। आप चाहे तो, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इनमें रुक भी सकते हैं, और वैसे आपको देखना है इनको भी आप वैसे भी देख सकते हैं एक्सपीरियंस के तौर पर। ये देखिए भाई किस तरीके से पहाड़ी चूल्हे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है सब कोई, इसमें ऐसा नहीं कि भाई हमने दिखावे के तौर पर यहाँ पे इन्होंने बनवाया हो या कुछ, जो ओरिजिनल है। और इधर भी आप देख सकते हैं बैठक है कि ये पहाड़ी, ये घुसने का रास्ता, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, इनमें रह सकते हैं, सो सकते हैं, और नॉर्मल भी आप इनमें घूमना चाहे तो घूम सकते हैं। कुछ ऐसे हैं, कुछ इस तरीके का है, ये भी एक लकड़ी से ही बना हुआ है, और हाइट भी नहीं है ज़्यादा, और ये नीचे है, इसमें आप प्रॉपर रह सकते हैं सभी लोग। बहुत बढ़िया बने हुए भाई वैसे, बिल्कुल एकदम।
और काफ़ी ट्रेडिशनल है, बिल्कुल ओरिजिनल वाले कोई भी इसमें ऐसा नहीं है। कोई आदमी हो जिसको एक्सपीरियंस करना हो एक्चुअल पहाड़ी कल्चर क्या होता है, एक्चुअल पहाड़ी रहन सहन, वो आके यहाँ पे फील ले सकते। इधर है ये ओरिजिनल है सब कुछ, बिल्कुल कोई भी मैन मेड नहीं है बाद का, पुराने टाइम के। भाई कितने पुराने हो गए लगभग, देख सकते हैं पुराने भी कुछ मकान है, 2 साल भी है भाई। मंदिर है, मंदिर अच्छा। बहुत पुराना है। और इधर आपको मंदिर है, मंदिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं ऊपर, इस मंदिर को भी आप घूम सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है सब कुछ भाई, ओरिजिनल एकदम। इधर भी कुछ मकान है ऊपर, ये देख सकते हैं आप। अभी मैं आपको यहाँ भी नीचे दिखा दूँ, कुछ इस तरीके का ये गांव दिखता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये पूरा गांव है और इसको आप पूरे गांव को घूम सकते हैं। और भी आसपास गांव है, कुछ उधर है और कुछ उस साइड है, और पीछे जो ये पहाड़ियाँ इनके पीछे भी है भाई, भाई ने मुझे बताया भी था। कैंपिंग वगैरह की भी सब फैसिलिटी है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे कैंपिंग आप कर सकते हैं, जंगल में जाके भी आपको मतलब रहने खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे लोगों ने छानियाँ बना रखी हैं बहुत अच्छी अच्छी। अच्छा, जहाँ पे उनके सेब के बगान है। हाँ हाँ, सेब जैसे अभी बहुत सारे फल थे, खुबानी, चुल्लू, ओके, आड़ू, पुलम, ठीक, वो सब अवेलेबल है यहाँ पे, सब अवेलेबल हो जाता है यहाँ, शांति के लिए लोग आएंगे। ओके ओके, तो गाइज यही था इस व्लॉग में। और वो लोग जो एक मतलब रियलिटी में ज़्यादा जीना पसंद करते हो, जिन्हें बनावटी चीज़ें ज़्यादा पसंद ना हो, जिन्हें कुदरत से लगाव हो और रियल एडवेंचर चाहिए हो, वो यहाँ पर आ सकते हैं। उनके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ है ये उनके लिए। और भाई एक चीज़ और बताओ, यहाँ पे मतलब कि जैसे बजट वजट का क्या इश्यू है? मतलब उसमें यहाँ बजट का कोई इशू नहीं है आपका, यहाँ आके तो खर्चा होने नहीं है। अच्छा, बस अच्छा। आपका ट्रैवल अलाउंस मतलब जो भी है आपका आने जाने का, मतलब बहुत मिनिमम बजट, बहुत मिनिमम बजट से लेकर आपके पैकेज के ऊपर बात है, आप जो भी चाहते हो। अच्छा, अगर किसी को भाई पिक एंड ड्रॉप भी चाहिए हो तो वो भी अवेलेबल है, अवेलेबल है। और तो गाइस ये भाई ने सब कुछ आपको मोटा मोटा बता दिया कैसे कैसे है, और बाकी अगर आपको उससे अलग भी कोई जानकारी चाहिए हो तो वो आप गांव यात्रा का जो पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने जो पैकेज है या जो आपकी डिमांड है या जो भी कुछ आपकी क्वेरीज है उनके बारे में बात कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस गाइस व्लॉग में तो इतना ही था, अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूंगा दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।